नमस्कार मित्रों, अपनी यूएस की यात्रा में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक वक्तव्य पारित किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और इसको लेकर के भारतीय मीडिया, जो शायद अर्थशास्त्र की समझ नहीं रखती है और किसी भी अर्थशास्त्री से बात भी नहीं करना चाहती है, वो इसकी अजीब अजीब बाल की खाल निकाल रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि रुपए की स्थिति कैसी है, रुपए की स्थिति डॉलर की तुलना में कैसी है, रुपए की स्थिति दूसरे देशों की करेंसीज की तुलना में कैसी है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे तय होता है, और उसके बाद पिछले एक वित्तीय वर्ष में हमारा रुपया कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये हो सकता है मैं कहीं बोलना भूल जाऊं, लेकिन आप दिमाग में पृष्ठभूमि में ये रखिएगा कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं स्लगिश हैं, धीरे हैं। IMF भी बोल चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोल चुका है, वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है कि इस वैश्विक मंदी में, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वैश्विक मंदी में यदि कोई इकॉनमी सही से कार्य कर रही है तो वो भारत की इकॉनमी है। ये हम लोगों ने नहीं बोला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट में बोल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है। चलिए सबसे पहला डिस्कशन है एक्सचेंज रेट क्या होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मुद्रा और दूसरी मुद्रा के बीच में संबंध वैसे ही होता है जैसे वस्तु का अपना एक मूल्य है। ऐसे अमेरिका US डॉलर इंडिया में जब आता है तो ये रुपए में परिवर्तित होता है। एक तरीके से हम एक डॉलर खरीद रहे हैं, एक साल पहले 72 रुपए का खरीद रहे थे, आज की तारीख में 82 रुपए या 83 रुपए का खरीद रहे हैं। डॉलर का मूल्य ये है एक्सचेंज रेट। किस पर तय होता है? सप्लाई ऑफ डॉलर एंड डिमांड ऑफ डॉलर इन इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ रुपी इन इंडिया, डिमांड ऑफ रुपी एंड सप्लाई ऑफ रुपी इन इंटरनेशनल मार्केट। फिर से बोल रहा हूं, हमें इंपोर्ट्स करने हैं, इंपोर्ट्स करने के लिए हमें डॉलर चाहिए, डॉलर हमें खरीदना पड़ेगा, कितने रुपए में एक डॉलर मिलेगा, ये डॉलर की डिमांड है। डॉलर आएगा कहां से? हम US को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, जब उसे कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास डॉलर आता है। डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स के लिए डिमांड ऑफ डॉलर है, एक्सपोर्ट्स के लिए सप्लाई ऑफ डॉलर्स है। ये हमेशा से पता है, जब से हम आजाद हुए हम लोगों के एक्सपोर्ट्स कभी भी इंपोर्ट से ज्यादा नहीं रहे, हम हमेशा इंपोर्ट ज्यादा रहे। तो ये निश्चित से बात मान के चलिए कि डिमांड ऑफ सप्लाई हमेशा ज्यादा रहती है। इधर एक साल में थोड़ी क्राइसिस बढ़ गई है। एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट सिर्फ ये है कि दूसरी कंट्रीज की मुद्राओं की तुलना में, सप्लाई और डिमांड की तुलना में रुपए की स्थिति क्या है। हम लोग आज के विवेचना में करेंगे येन, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन का पौंड, इन तीन करेंसीज और US डॉलर तो चौथा ले ही लेंगे, इनकी तुलना करेंगे हम रुपए से। हम रुपए की तुलना में रुपया हमारा मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, राइट? एक्सचेंज रेट सिस्टम फिर से बता दे रहा हूं क्या है। जैसे टेक एग्जांपल, हम लोगों के इंपोर्ट्स का 30-40% खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आता है। सारे इंपोर्ट का 30-40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में डॉलर चला जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण ऑयल प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं। जब वो बहुत हाई चल रहे हैं तो फिर हमारे इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ डॉलर्स बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके प्राइस तो वैसे ही ज़्यादा हो जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जीवन के लिए क्या है? ये ऑक्सीजन। कितनी कीमत है इसकी? 0। क्यों? सप्लाई अबंडेंट है, सप्लाई बहुत है इसलिए उसका प्राइस नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस शूट अप होने लगता है, यही है। चलिए आगे चलते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम के बाद। वेदर रुपीज सिंकिंग, क्या रुपया कमजोर हो रहा है, राइट? और अगेंस्ट डॉलर्स, तो मेरा कहना है हाँ, डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो रहा है। कैसे समझ सकते हैं इसको? आप चेक कर लीजिए USD यानी US डॉलर्स, INR इंडियन नेशनल रुपी परफॉर्मेंस लास्ट एक साल की अगर हम एक्सचेंज रेट को देखते हैं तो अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन नेशनल रुपी की परफॉर्मेंस एक साल की क्या है?
अक्टूबर 2021 में एक यूएस डॉलर 75 रुपए का था, 75, एक डॉलर को खरीदने में हमें 75 रुपीज देने पड़ते थे। और आज वर्तमान स्थिति कितनी है, अक्टूबर 2022 में एक यूएस डॉलर कितने रुपए का है, 82 रुपीज का है। अब आप क्लास समझने की कोशिश कीजिए, एक साल में कितने का डिफरेंस आया है, 72 से 75 घटा देंगे तो 7 रुपीज का डिफरेंस है। रुपया पिछले एक साल में 7 रुपए कमजोर हो गया है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब क्यों, क्या ये रुपया कमजोर हो रहा है या यूएस डॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या ये रुपया कमजोर हो रहा है या फिर जैसे आप खूब प्रोटीन लीजिए आपका वजन ज्यादा हो सकता है, आप बढ़ रहे हैं, दूसरा वाला ज्यादा प्रोटीन ले रहा है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यूएस डॉलर्स को ज्यादा प्रोटीन फेडरल बैंक दे रहा है, कैसे अभी बताते हैं। चलिए, इज रुपी सिंकिंग, तो भैया ना, नहीं, कैसे, आइए कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं। पहला, रुपया वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की करेंसीज के सामने कैसा परफॉर्म कर रहा है, जितना दूसरी करेंसीज, दूसरी कंट्रीज की करेंसीज यूएस डॉलर के सामने कैसा परफॉर्म कर रही हैं, और अगर दूसरी करेंसीज यानी यूएस डॉलर के अलावा यूरो पाउंड स्टर्लिंग की बात कर लेते हैं, अगर उनके कंपेरिजन में भी कमजोर हो रहा है तो रुपया कमजोर हो रहा है। देखते हैं, पोजीशन ऑफ रुपी अगेंस्ट द मेजर करेंसीज, अदर मेजर करेंसीज, पहली करेंसी मैंने कौन सी ली है, रुपी वर्सेस पाउंड, पाउंड ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी है, डेवलप्ड कंट्री है, परिचय का मोहताज नहीं है। अक्टूबर 2021 में एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 104 रुपए का खरीद पाते थे हम, अक्टूबर 2022 में एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हम 92 रुपीज का खरीद लेते हैं, कम देने पड़े ना आपको रुपए, अब हमें कम देने पड़ रहे हैं यानी कि रुपया मजबूत हो रहा है। इसे बिल्कुल देसी भाषा से समझिए, पहले 104 सिक्के लग जाते थे एक पाउंड को पलटने में, ज्यादा लोग लगे, अब 92 रुपए मिलकर के एक पाउंड को पलट देते हैं, कौन मजबूत हुआ, रुपया पहले के कंपैरिजन में मजबूत हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं, लेट्स चेक वर्सेस येन, जापान, डेवलप्ड नेशंस, वेरी साउंड, हाईली डेवलप्ड, उसकी करेंसी है येन, एक येन 65 पैसे में मिल जाता था, 60 येन वहां का रुपया नहीं है, पैसा है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक येन हमें मतलब एक येन, एक पैसा खरीदने में हमें 65 पैसे लग जाते थे, अब एक येन खरीदने में 55 पैसे लग रहे हैं, येन की तुलना में बताइए रुपया मजबूत हो रहा है कि नहीं। फिर वैसी देसी भाषा में, 65 सिक्के लगते थे एक सिक्का पलटने में, एक येन पलटने में, अब 55 ही सिक्के एक को पलट देते हैं, बताइए रुपया मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट्स फर्दर मूव, पोजीशन ऑफ अदर करेंसीज अगेंस्ट डॉलर्स, इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है डॉलर इंडेक्स, यूएस का फेडरल बैंक डॉलर इंडेक्स बनाता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है वैसे डॉलर का एक्सचेंज इंडेक्स है। वर्ल्ड की 6 प्राइम इकोनॉमीज के अगेंस्ट में डॉलर की वैल्यू चेक की जाती है, और इन 6 कंट्रीज में सब कुछ मालूम है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी शामिल है, यूरो भी शामिल है, येन भी शामिल है, और 2-3 कंट्रीज भी शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में जब 6 कंपनीज के हिसाब से हमने माना तो एक डॉलर के बदले में 93 करेंसीज, एवरेज करेंसीज ऑफ 6 कंट्रीज, एवरेज करेंसीज ऑफ 6 कंट्रीज, एक डॉलर में 93 आ जाती थी, 93, और आज की तारीख में 112 आ रही हैं। अब अंदाजा लगा करके देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, अब यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, अंदाजा लगाइए, 93 112 कितने हो गए, 12 ये और 7 ये, 12 7 19 का डिफरेंस आ रहा है। रुपया कितने से गिरा था, 7 से। इंटरनेशनल करेंसीज यूएस डॉलर के टर्म्स में कितनी गिर रही हैं, 90% के हिसाब से। यही ये बता रहा है कि दूसरे देशों की करेंसी बहुत ज्यादा गिर रही है डॉलर की तुलना में, हम कम गिर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हम जापान की बात कर रहे हैं, हम यूरो करेंसी की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप की बाकी जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज यूरोप में यूरोपियन यूनियन बनाए, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, सारे डेवलप्ड नेशंस हैं यूरोप के, और वो लोग गिर रहे हैं कितने के हिसाब से, अभी अभी मैंने बताया 90 पॉइंट्स गिरे हैं, जबकि रुपया 7 पॉइंट्स गिरा है। आप ही बताइए कि रुपया वेदर मजबूत हो रहा है कि नहीं। चलिए ग्राफिक्स कुछ दिखा देते हैं, इट्स एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, डॉलर के कंपेरिजन में रुपया
75 पर था, 82 पर पहुंच गया है, बढ़ रहा है। ये ग्राफ बढ़ रहा है यानी रुपया कमजोर हो रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है यानी रुपया कमजोर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड एंड इंडिया, कहां पर थे? 105 पे थे। एक पाउंड स्टर्लिंग का एक पाउंड खरीदने में हमें 105 रुपए देने पड़ते थे, घट घटा के हम लोग यहां पर आ गए कितने पे, कम पर आ गए हैं। ग्राफ गिर रहा है यानी रुपया मजबूत हो रहा है, ग्राफ गिर रहा है यानी रुपया मजबूत हो रहा है। अगली कंट्री के हिसाब से लगाते हैं, यूरो और रुपीस के कंपैरिजन में कहां पर थे? लगभग 87 के पास, घट के यहां पर नीचे आ रहे हैं, 79 के आसपास हैं। ग्राफ गिर रहा है यानी यस क्लास, अब आपको समझ में आ गया है कि अगर ग्राफ गिर रहा है तो रुपया मजबूत हो रहा है। एंड व्हेन वी कंपेयर रुपी विद येन, अगेन ग्राफ गिर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे ऊपर की मैंने कंट्रीज उठाई हैं। यूएस के कंपैरिजन में हम गिर रहे हैं, पौंड के कंपैरिजन में नहीं गिर रहे, येन के कंपैरिजन में नहीं गिर रहे, यूरो के कंपैरिजन में नहीं गिर रहे, इसका मतलब हम लोग हकीकत में ज्यादा उठ रहे हैं। मैंने डिफरेंस बता दिया है, रुपया डॉलर के टर्म्स में 7 पॉइंट्स गिरा है, जबकि बाकी 6 कंट्रीज की एवरेज करेंसी 19 पॉइंट गिरी है, तो रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। अब फर्दर ये, व्हाई डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, क्या ये हेल्दी ग्रोथ है या ये आर्टिफिशियल ग्रोथ है? अब ध्यान समझिए, यूक्रेन ग्रेन बाउल कहलाता है वर्ल्ड का, यूक्रेन ग्रेन बाउल यानी पूरे विश्व के खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी काफी हद तक इस पर आ जाती है यूक्रेन पर। बहुत बड़ा राष्ट्र है, कृषि उपज बहुत अच्छी हैं, एग्रीकल्चर फूड गुड्स को वो भेजता है, और वो इन्वॉल्व हो गया युद्ध में, तो अब उसके एक्सपोर्ट हो गए जीरो। रशिया को आप लोगों ने बैन कर रखा है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया को बैन रखा है कि तुमने यूक्रेन पर अटैक किया तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, अब पूरे वर्ल्ड में है क्राइसिस, डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन हो रहा है सारी इकोनॉमीज में, यूएस भी उससे अछूता नहीं है। जब यूएस उससे अछूता नहीं तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व आ गया है। एक पॉइंट ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं और ऑयल की डिमांड हमारी 30-40% इंपोर्ट्स की, तो हमें ही डॉलर ज्यादा चाहिए होता है। इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे कम है, तो हमारे पास क्राइसिस हमेशा डॉलर की रहती है। आज की बात नहीं, जब से आजाद हुए हैं बराबर हमारा रुपया कमजोर ही होता गया है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ निगेटिव कंडीशंस बिफोर आर इकॉनमी, वी आर नॉट सेल्फ सफिशियंट इकॉनमी, वी आर डिपेंडेंट इकॉनमी, वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर डिपेंडेंट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, वी आर डिपेंडेंट ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन हाई टेक्नोलॉजीज ऑन अदर कंट्रीज, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ बन नहीं पाता, और जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट कहाँ पे करना पड़ता है, हमें पेमेंट डॉलर पर करना पड़ता है, सो डिमांड ऑफ डॉलर इज वेरी हाई। अब स्वाभाविक सी बात है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, आप आ जाते हैं फेडरल रिजर्व पर। फेडरल रिजर्व का नवंबर 1, 2000 दैट इज पिछले साल 22 का रिजर्व कितना था? 0%। इकॉनमी पूरी सेफ थी, फेडरल रिजर्व को कोई चिंता नहीं थी, तो उसने कोई रिजर्व रखा नहीं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जब मार्च पे चले गए तो यूक्रेन वार शुरू हो गया, अंदेशे शुरू हो गए, वॉर ग्लोबल वॉर तक भी जा सकता है, कई बार ये बात आती है, तो फेडरल रिजर्व ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पता नहीं कौन सी क्राइसिस आ जाएगी। इसे कहते हैं फेडरल रिजर्व, US फेडरल बैंक रिजर्व, जिसे हम लोगों के यहाँ CRR और SLR होता है, और कैश रिजर्व रेशियो। RBI हर बैंक से कहता है भैया थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास बचा बचा के रखो, सब कुछ मत दे दो। यही रिजर्व वहाँ पर क्रिएट किया गया और उसको बढ़ाया गया 0% से बढ़ करके। ये कहाँ तक पहुँच गए 3.5%, ये बहुत बड़ा है। फिर से समझिएगा, सप्लाई क्या है। करेंसी के दो घर होते हैं, एक घर होता है इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस का यूएस फेडरल बैंक, और दूसरा घर होता है मार्केट, हमारी जेब में है, फलाना कंपनी में है। सप्लाई बैंक से निकल करके मार्केट में आ जाती है, मार्केट में तो सप्लाई ज़्यादा है। और अगर पापा ने कह दिया नहीं शाम को 6 बजे घर आ जाओगे तो तुम्हारी सप्लाई तुम्हारे दोस्तों तक नहीं पहुँच पाएगी, तुम्हारी सप्लाई कब तक पहुँच पाएगी? शाम को 5 बजे तक, 5 बजे के बाद तुम घर में आ गए। RBI इंडिया में, फेडरल बैंक ऑफ USA US में करेंसी के पापा हैं, और वो कह रहे कि ना अंदर आओ घर में रहो, तो 3.5% का रिजर्व जो बढ़ाया, ये पैसा आया कहाँ से? ये मार्केट से आया है, और जब ये मार्केट से पैसा आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में इतनी सप्लाई कम हो जाएगी, डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा? स्काई हाई जाएगा। ये इतने में ही रुकता नहीं है, ये इतना ही रुकता नहीं है, आगे समझो। अब ये बैंक्स के पास जब सप्लाई नहीं रहेगी तो वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे,
पैसा मार्केट में नहीं है, तो हमको अगर उधार चाहिए तो हमें किसी लोकल मार्केट वाले से लेना होगा। लोकल मार्केट वाला जब हमको लोन देगा तो हमसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। तो हमारा पैसा जो दूसरे धंधों में लगा हुआ है, हम उससे अपना पैसा निकालेंगे। यूएस के इन्वेस्टर्स का जो पैसा इंडिया में लगा हुआ है वो पैसा निकालेंगे और यूएस में लगाएंगे, क्योंकि वहाँ रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं और सिक्योरिटी वहाँ पर ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स टेक आउट देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन फेडरल बैंक बिकॉज इट इज़ मच मोर सिक्योर्ड ओवर देयर। अब जब ये नौबत आ जाएगी तो हर देश से डॉलर निकलेगा और यूएस वापस जाएगा, डॉलर निकलेगा। क्यों स्टॉक मार्केट तबाह चल रही है पहले इंडिया की, आप देख रहे हैं कैसे कैसे बार बार गिर रही है, थोड़ी सी उठती है फिर गिर जाती है। यूएस के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और फेडरल बैंक में लगा रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं यहाँ से, वो यहाँ से आरबीआई से डॉलर मांग मांग के ले जा रहे हैं, रुपया कन्वर्ट करके डॉलर में, तभी तो फेडरल बैंक में जमा होगा, रुपया की तो वहाँ पे वैल्यू कोई है नहीं। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एवरी इकॉनमी विल इंक्रीज। अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड वर्ल्ड लेवल पे बढ़ जाएगी तो डॉलर का प्राइस शूट अप कर जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा डॉलर मजबूत ज़्यादा हो रहा है, रुपया करने से रुपया मजबूत हो रहा है। रुपी इज स्ट्रेंथनिंग बट डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग मोर। हमारी इकॉनमी कमजोर नहीं हो रही है, IMF बोल चुका है, वर्ल्ड बैंक बोल चुका है, ग्लोबल लेवल पर सभी इकॉनमीज मंदी के दौर पर हैं, और ऐसे में अगर किसी का सितारा चमक रहा है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था का है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भारतीय जनमानस में अर्थ ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि बिला वजह जो सरकार की बदनामी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं वो ना करें। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।